साथियों, जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला, हमारी इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है। अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गांव में रहने वाले सलमान की। सलमान जन्म से ही दिव्यांग है, उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए। आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया। खास बात यह है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी। अब ये सब मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी। अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया। अब ये लोग मिलकर दिन भर में 150 जोड़ी चप्पलें तैयार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सलमान ने इस साल 100 और दिव्यांगों को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है। मैं इन सबके हौसले, उनके उद्यमशीलता को सैल्यूट करता हूं। ऐसी ही संकल्प शक्ति गुजरात के कच्छ इलाके में अजरक गांव के लोगों ने भी दिखाई है। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गांव छोड़ रहे थे, तभी इस्माइल खत्री नाम के शख्स ने गांव में ही रहकर अजरक प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते प्रकृति के रंगों से बनी अजरक कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गांव हस्तशिल्प की अपनी पारंपरिक विधा से जुड़ गया। गांव वालों ने न केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया। अब बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े डिजाइन संस्थान अजरक प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। गांव के परिश्रमी लोगों की वजह से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रांड बन रहा है। दुनिया के बड़े खरीदार इस प्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।